हेलो, टेकवुड आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आईटीआई, सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हम लोग आईटीआई करते क्यों। तो आईटीआई मींस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होता है जहां हम उद्योग में करने वाले हर काम के बारे में, हर टेक्निकल वर्क के बारे में जानते हैं कि वो कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो बच्चों में सबसे पहले जब भी आईटीआई करने का इच्छा होता है तो वो उनको यही नहीं पता होता है बच्चों को कि हम आईटीआई करेंगे तो कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना होगा, कितने नंबर में हम पास करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आईटीआई में कौन कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ना है, वो कितने नंबर पाएंगे तो वहाँ पास होंगे, फर्स्ट ईयर में कितना है, सेकेंड ईयर में कितने पढ़ना है। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले आईटीआई कितने नंबर का, में फर्स्ट ईयर में कितने नंबर का बच्चों को एग्ज़ाम देना होता है, कौन कौन सा विषय पढ़ना होता है, कितने कितने नंबर में वो पास होते हैं। तो जब भी आप आईटीआई करने जाएंगे, आईटीआई मींस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को यही नहीं पता होता है। बच्चे आईटीआई कर रहे होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इसको आप हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। अब इसमें कौन कौन सा विषय, कितने कितने नंबर का बच्चों को पढ़ना होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपको किसी भी ट्रेड का, जो भी ट्रेड आप लेते हैं, या आप इलेक्ट्रीशियन से पढ़ते हैं, फीटर से पढ़ते हैं, या आप डीजल से पढ़ते हैं, तो उसके थ्योरी के बारे में, थ्योरिटिकल पढ़ाई, प्रैक्टिकल। आईटीआई इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, बट आपको थ्योरी भी जानना उतना ही ज़रूरी है हर एक सब्जेक्ट के बारे में, हर एक विषय के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी, जो भी आपका ट्रेड है उसका आप थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका प्रैक्टिकल, जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वो हम प्रैक्टिकल लैब में जाके उस पर अपना प्रैक्टिकल करेंगे, अपने शिक्षकों के मदद से उस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल, इसके बाद हम एक पढ़ते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन, वर्कशॉप कैलकुलेशन। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग। पहले मैं आपको सब सब्जेक्टों का नाम बताता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि किसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कौन क्यों इम्पोर्टेंट है आईटीआई के लिए। तो ये हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इसके बाद एक पांचवा सब्जेक्ट भी आता है जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि थ्योरी किसी भी सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी आईटीआई करने के लिए। जब तक आप उसके थ्योरी के बारे में, आपको आपके माइंड में उस टूल्स के बारे में, उस जॉब के बारे में नहीं होगा कि उसको क्या करना है, कैसे हमको जॉब डेवलप करना है, तो आप कैसे आगे काम कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल लैब में जाके ही क्या कर सकते हैं, केवल आपके सामने टूल्स रखा होगा तो आप प्रैक्टिकल लैब में कुछ नहीं कर सकते, तक आपको उसका थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा। तो वो सारा नॉलेज हमें मिलता है अपने ट्रेड के थ्योरी पेपर से। प्रैक्टिकल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी आईटीआई, क्योंकि किसी भी कंपनी में जब तक आपको, आपने अपने कॉलेज से या अपने संस्थान से, अपने इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिकल करके नहीं आया है तब तक आप कंपनी में जाके कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसको आप बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। प्रैक्टिकल में ही आपको सारा चीज़, हर एक वर्क के बारे में, हर एक जॉब के बारे में बताया जाता है। आप वायरिंग कैसे करते हैं, आप किसी भी चीज़ का फिटिंग कैसे करते हैं, मतलब आपके अपने ट्रेड के हिसाब से आपको उसका प्रैक्टिकल करवा के आपको बताया जाता है कि प्रैक्टिकल में आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद है वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन इट मीन्स आप बोल सकते हैं मैथ, आप बोल सकते हैं इसको साइंस, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब आपको इसमें पढ़ना होता है। बिना गणित का
आप कोई भी जॉब कभी कर नहीं सकते हैं। बिना फिजिक्स जाने आप किसी भी काम को नहीं कर सकते, हर एक काम का एक फिजिक्स होता है। तो आपको ये सब चीज़ इसमें पढ़ना होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग, आप जानते हैं कि कब, जब भी आप किसी चीज़ को करने जाते हैं कि आपके माइंड में कोई भी चीज़ आता है कि नहीं चलो मुझे एक घर बनाना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में उसका नक्शा आता है, ड्राइंग आता है। तो सेम चीज़ यहाँ आपको एक ITI में होता है कि चलो आपको जब भी आपके माइंड में आएगा कि नहीं मुझे इस घर का वायरिंग करना है, तो आपके माइंड में सबसे पहले उसका नक्शा आएगा, उसका ड्राइंग आएगा। तो जब तक आप उसके ड्राइंग को बनाना नहीं जानेंगे, मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, तो घर का आपने ड्राइंग बना लिया, घर में इतने कमरे होंगे, इतने रूम होंगे, ऐसा बाथरूम होगा, ऐसा वॉशरूम होगा, तो नक्शा बना के बाद ही ना आप घर बनाते हैं। तो सेम आपको एक कंपनी में, एक जॉब में भी आपको सेम चीज़ करना होगा कि कोई भी आपको वायरिंग करना है, आपको एक साइकिल बनाना है, एक मोटरसाइकिल बनाना है, एक हवाई जहाज़ बनाना है, तो पहले आपके माइंड में वो नक्शा आता है कि चलो मुझे, मेरा एक साइकिल होगा जिसका दो पहिया होगा, एक हैंडल होगा, एक उसमें एक रिंग लगा होगा, एक घंटी लगा होगा, फलना फलना जो भी होता। तो यहाँ भी ITI में भी आपको पहले इस किसी भी चीज़ के ड्राइंग के बारे में बताया जाएगा कि आपको ये ड्राइंग करना है, तब जाके आप अपने जॉब को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, जॉब के लिए आगे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। पांचवा और सबसे आसान एक सब्जेक्ट आता है छोटा सा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आजकल के समय में जब तक एक बच्चा स्किल्ड नहीं होता है, ITI जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक आदमी बोलता है स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप पूरे स्किल नहीं है, आप स्किल्ड नहीं है, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप में एक देखिए, काम तो हर एक आदमी करता है कि मिस्त्री भी एक घर का वायरिंग कर लेता है, लेकिन वे ऑफ डूइंग द वर्क इज मोर बेटर। मतलब आपको सही सही सब कुछ करने का तरीका आना चाहिए, एक लय में, एक वे में, या थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश का नॉलेज हो, ग्रामेटिकली आप राइट हो, वो सब चीज़ आपको ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पढ़ाया जाता है। तो अब आज हम लोगों ने जाना कि हम लोगों को टोटल कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सभी सब्जेक्ट का क्या यूज़ होता है, क्यों पढ़ाया जाता है। हम लोगों ने जाना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, ITI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज का सेशन हम लोग, एक छोटा सा सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।